बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन पर मंगलवार को दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके बेहद करीबी ड्राइवर मनोज साहू का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वरुण उस वक्त महबूब स्टूडियो में शूट कर रहे थे। मनोज को नजदीक के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, मगर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मनोज वरुण के काफी करीब थे। वरुण को महबूब स्टूडियो भी लेकर गए थे, जहां एक्टर एक विज्ञापन की शूटिंग कर रहे थे। अचानक मनोज ने सीने में दर्द होने की शिकायत की और दिल का दौरा पड़ गया। मनोज को लीलावती अस्पताल ले जाया गया। वरुण खुद अपनी पूरी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। पेपराजी फोटोग्राफर विरल भयानी ने वरुण और मनोज की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करके इसकी जानकारी दी है। नोट के मुताबिक मनोज पूरी तरीके से स्वस्थ थे, उन्हें कोविड संबंधी कोई भी तकलीफ नहीं थी। मनोज अपने पीछे दो बेटियों को छोड़ के गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मनोज लगभग 15 सालों से वरुण के साथ हैं। वरुण के डेब्यू से पहले वो उनके पिता निर्देशक डेविड धवन के साथ हुआ करते थे। वरुण की फिल्मों की बात करें तो 2022 में भेड़िया और जुग जुग जियो रिलीज होने वाली है। बहरहाल पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।